गाइस देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे गेम में न्यू CS:GO का सीजन आ चुका है। और गाइस देखो, मैं आप लोगों को इस वीडियो में 10 ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो गाइस अगर आप लोग फॉलो करोगे ना तो गाइस आप लोग बहुत ही जल्दी CS:GO में ग्रैंड मास्टर पहुंच जाओगे। और गाइस देखो, मुझे पता है इस बार का सीजन में मतलब रैंक पुश करने में कितना ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, देखो इस बार मतलब सब यूट्यूबर पुश कर रहे हैं या फिर मतलब जो अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े प्लेयर है सभी के सभी पुश कर रहे हैं, तो गाइस देखो आप लोग के लिए मैच जीतना प्रॉब्लम हो जाता है। बट देखो आप लोग का दुख मैं समझ पा रहा हूँ। अरे वो बात है ना भाई, भाई का ही दुख समझ पाता है। तो गाइस देखो आप लोग टेंशन मतलब बिल्कुल भी टेंशन मतलब आप लोग बहुत ही जल्दी ग्रैंड मास्टर पहुंच जाओगे। सिर्फ गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। और हाँ गाइस देखो, और एक चीज भी गाइस, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के लिए OP सब बोनस ट्रिक भी दूंगा जो कि गाइस आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सभी टिप्स एंड ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है ही और बोनस ट्रिक भी इंपॉर्टेंट होगा, तो गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और गाइस देखो, अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो गाइस फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। आज की इस वीडियो का जो लाइक टाइम रखते हैं वो 10K लाइक्स, गाइस फटाफट 10K लाइक जरूर से करा देना। और गाइस देखो, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हो, मेरा आवाज मेरा फेस पहली बार देख रहे हो ना, तो गाइस क्या करो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी गाइस जरूर से ऑन कर देना। और हाँ गाइस देखो, और एक चीज भी है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो ना, मुझे पता नहीं क्यों मतलब मेरा वीडियो आप लोगों तक नहीं जा रहा है। मतलब यूट्यूब के सस्ते नशे क्या ही बोलूं, मतलब यूट्यूब मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन ही गाइस आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहा है। तो अगर आप लोगों के पास मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता या फिर रिकमेंडेशन नहीं आता है ना, तो गाइस आप लोग प्लीज एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी गाइस जरूर से ऑन कर देना। और हाँ गाइस देखो, फटाफट मेरे को एक चीज कमेंट कर दो कि आप लोग का भी रैंक कितना है, आप लोग क्या हीरोइक में हो, डायमंड में हो, ग्रैंड मास्टर में हो, जो भी रैंक में आप लोग हो मेरे को फटाफट कमेंट कर देना अपना CS रैंक का जो रैंक है वो। सो गाइस देखो, जो फर्स्ट नंबर ठीक है वो है गाइस देखो, मैं आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग टू लास्ट तक क्या क्या आप लोग करना है ताकि गाइस आप लोग हर एक CS:GO में जीत पाओ, सबके सब गाइस मैं आप लोगों को बोल दूंगा। तो सबसे पहला जो चीज आता है वो है कैटा कॉम्बिनेशन, क्योंकि कैटा पहले आप लोग कैटा कॉम्बिनेशन लेते हो उसके बाद ही गाइस आप लोग मैच खेलने जाते हो ना, और कैटा कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको मैच जिताने में। तो गाइस देखो, जो कैटा कॉम्बिनेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों को वही लेना है, उल्टा फुल्टा कुछ भी मत देना। ये कैटा कॉम्बिनेशन मैं पर्सनली खुद यूज करता हूं और मैं ये कैटा कॉम्बिनेशन जब भी लेता हूं मैं हर एक मैच जीतता हूं। तो गाइस आप लोग को भी ये लेना है, सबसे पहले गाइस आप लोग को वुकोंग लेना है। फिर गाइस देखो, आप लोग तो मोबाइल प्लेयर हो ना, तो वुकोंग लेके बहुत ही ज्यादा ओपी खेल पाओगे अगर आप लोग शॉटगन चलाते हो या फिर वन टैप करते हो। एक बंदे को गाइस अगर आप लोग नॉक करोगे तो नॉक करने के बाद तुरंत वुकोंग बन जाओगे, फिर वुकोंग होगे दूसरे बंदे को एम करके आप लोग इजीली मार सकते हो, बहुत ही ज्यादा ओपी वर्क करेगा आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग AWM प्लेयर हो तब भी गाइस बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। उसके साथ गाइस आप लोग को क्या लेना है, आप लोग को DB कैरेक्टर लेना है। इसके बाद गाइस देखो, आपके चारों बंदे को मतलब आपके पूरे स्क्वाड को गाइस एलाइट एंड्रू रखना है, क्योंकि गाइस देखो एलाइट एंड्रू अगर आप लोग चारों बंदे रखोगे ना तो गाइस सामने वाला एनिमी गाइस आपका वेस्ट इजीली नहीं तोड़ पाएगा, आपका हेलमेट इजीली नहीं तोड़ पाएगा, तो बहुत ही ज्यादा आप लोगों को एडवांटेज होगा। उसके बाद आप लोगों को हायतो रखना है, क्योंकि शॉर्ट रेंज फाइट के लिए हायतो वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है। और लास्ट में गाइस अगर आप लोग लॉन्ग रेंज प्लेयर हो तो तब गाइस आप लोगों को राइफल रखना है, और अगर आप लोग शॉर्ट रेंज प्लेयर हो तो तब गाइस आप लोगों को जोटा रखना है। तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन इस सीजन लेके खेलो, बहुत ही ज्यादा आप लोगों को हेल्प मिलेगा। इसके बाद गाइस देखो, जो सेकंड नंबर ट्रिक है वो है आप लोगों को फर्स्ट राउंड कैसे जीतना है। अब गाइस देखो, फर्स्ट राउंड अगर आप लोग जीत गए ना तो सेकंड राउंड भी आप लोग बहुत ही इजीली जीत जाओगे, क्योंकि अगर मतलब आपके पास अच्छा खासा लूट होगा और आप लोग इजीली जीत जाओगे। मतलब दो राउंड तो आप लोग ऐसे ही जीत गए, अगर आप लोग फर्स्ट राउंड जीत गए तो सेकंड राउंड भी जीत जाओगे। तो अभी बात करते हैं फर्स्ट राउंड आप लोगों को कैसे जीतना है। फर्स्ट राउंड जीतने के लिए ना आप लोग को यूज करना है M500। अभी गाइस देखो, मेरे को एक चीज कमेंट में बता दो, आप लोग क्या M500 यूज करते हो या फिर G18 यूज करते हो। मैं पर्सनली बोलूंगा आप लोग M500 यूज करो, M500 से अगर आप लोगों को वन टैप देना भी नहीं आता ना तभी गाइस आप लोग लॉन्ग रेंज में बैठे रहो, लॉन्ग रेंज में बैठ के गाइस आप लोग स्कोप इन स्कोप आउट करो। ये गाइस जब भी आप लोग करोगे तो गाइस 45 डैमेज आएगा, तो बंदा ऐसे ही नॉक हो जाएगा 4-5 गोली में। तो गाइस आप लोग को यही करना है, आप लोग को M500 ही लेना है, और अगर आप लोग वन टैप दे पाओ तो तब तो भाई एक ही गोली में बंदा नॉक हो जाएगा। तो ये चीज गाइस आप लोग फर्स्ट राउंड के लिए ऑलवेज M500 ही लेना है। और बाई चांस अगर आप लोग को M500 से फिर भी कंफर्टेबल नहीं हो रहा है तो तब गाइस आप लोग WSP या फिर G18 के साथ जा सकते हो। सो गाइस देखो, जो थर्ड नंबर ट्रिक है वो है, आप लोगों ने तभी यूट्यूब में देखा ही होगा, जो स्ट्रीमर है या फिर जो मतलब तगड़े तगड़े प्लेयर है सभी के सभी CS:GO में पुश कर रहे हैं और वो लोग लगातार हर एक मैच ही जीत रहे, तो वो कैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो गाइस, आपके स्क्वाड में ना मिनिमम एक PC प्लेयर होना ही चाहिए। गाइस देखो, उनके स्क्वाड में मिनिमम एक PC प्लेयर होता है, बट गाइस देखो अगर आपके स्क्वाड में कोई भी PC प्लेयर नहीं हुआ ना तो गाइस देखो मैच जीतना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैच नहीं जीत पाओगे, अगर आपके पास कोई भी PC प्लेयर नहीं है तो गाइस देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत बंदे के पास तो PC प्लेयर नहीं होता है ना आपका अगर मोबाइल स्क्वाड है, तो तब गाइस आप लोगों को कैसे जीतना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपली गाइस ऐसा प्लेयर को सिलेक्ट करो आपके टीम में जो गाइस एकदम PC प्लेयर को कॉम्पिटिशन देता है, मतलब मोबाइल में ऐसा नहीं बोल रहा, मोबाइल में उसको वन टैप ही मारना है, शॉर्ट रेंज में भी वन टैप मारना है, लॉन्ग रेंज में भी वन टैप मारना है, ऐसा नहीं है। ऐसा कि भाई वो बंदा शॉर्ट रेंज में भी अच्छा खेल पाए, लॉन्ग रेंज में भी अच्छा खेल पाए। तो गाइस ऐसे ही आप लोग मतलब टीम अपना डिसाइड करो, और अगर PC प्लेयर हो सके तो एक PC प्लेयर ले लो यार, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होगा।
इसके बाद गाइस देखो जो फोर्थ नंबर ट्रिक है वो है जो जो यूट्यूबर या फिर जो जो रीजन के लिए पुश कर रहे हैं ना सीएसएंग में, सभी के सभी गाइस वन टैप का यूज कर रहे हैं, मतलब वन टैप हेडशॉट दे रहे हैं। अब गाइस देखो ये एक फैक्ट है कि अगर आप लोग को वन टैप देना आता है तो गाइस आप लोग इजीली मतलब हर एक मैच ही जीतोगे, क्योंकि एक शॉट में सामने वाला बंदा नॉक हो जाएगा। मैं देखो आप लोग ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग को शॉर्ट रेंज में वन टैप मारना है पीसी प्लेयर की तरह, भाई मोबाइल प्लेयर उतना अच्छा नहीं खेल पाते यार, मतलब शॉर्ट रेंज में मारना टफ हो जाता है, मैं मुझे पता है। तो गाइस आप लोग ट्राई करो लॉन्ग रेंज में वन टैप करने के लिए, क्योंकि लॉन्ग रेंज में अगर आप लोग ब्रूजा चलाओगे या फिर एके चलाओगे ना, तो अगर आप लोग हेडशॉट भी दे दिए 130 का हेडशॉट आएगा, सामने वाला बंदा ग्लू लगा देगा फिर मेडिकेट कर लेगा, तो ऐसे तो कोई फायदा नहीं है ना। उससे गाइस आप लोग अच्छे वन टैप वाला कर लो, एक शॉट अगर आप मतलब आपका हेड पे कनेक्ट हो गया तो सामने वाला बंदा ऐसे ही नॉक हो जाएगा, फिर गाइस आप लोग आपके पास तो रेफेल होगा, फिर रेफेल से वो नॉकडाउन फिनिश हो जाएगा। तो गाइस आप लोग को वन टैप देना सीखना पड़ेगा, और अगर आप लोग को वन टैप देना नहीं आता तो गाइस इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, मैं गाइस ऊपर आई बटन में दे रहा हूं ये वीडियो, गाइस आप लोग देखने के बाद वो वीडियो भी जरूर से देख लेना। और गाइस देखो वैसे लॉन्ग रेंज के लिए बहुत सारे वन टैप गन है, जैसे कि आपका वुड पेकर हो गया, ड्रैगन ऑफ हो गया, उसके साथ गाइस आपका AC-80 हो गया। अरे अरे AC-80 नहीं, AC-80 तो आप लोग बोलते हो, मैं तो भाई पर्सनली मैं ABCD बोलता हूँ यार, कौन कौन ABCD बोलता है AC-80 गन को, फिर वो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। देखो गाइस इन सब गन में से मेरे मतलब मेरे को पर्सनली जो बेस्ट गन लगता है वो है गाइस वुड पेकर। वुड पेकर एकदम लॉन्ग रेंज के लिए बेस्ट है, और अगर आप लोग मिड रेंज में थोड़ा वन टैप करते हो तो गाइस आप लोग वुड पेकर डेजर्ट ईगल ले सकते हो। इसके बाद गाइस देखो जो फिफ्थ नंबर ट्रिक है वो है जो जो सीरियसली रैंक पुश करना चाहते हो ना, मतलब देखो आप में से बहुत बंदे ग्रैंड मास्टर नहीं किए हो या फिर आप लोगों को इस सीजन जाना ही जाना है, सबसे जल्दी जल्दी आप लोगों को ग्रैंड मास्टर जाना है, तो गाइस उनके लिए मैं आप लोगों को ये ट्रिक बोल रहा हूं। देखो गाइस आप लोगों को ना हमने जो सीएस रैंक पुश का जो टाइमिंग है वो गाइस आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा, रैंक पुश का जो टाइमिंग है वो चेंज करना पड़ेगा। देखो गाइस मैक्सिमम जो जो तगड़े प्लेयर आते हैं ना शाम को आते हैं या फिर गाइस मतलब शाम को आते हैं और रात को आते हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सुबह खेलना है, सुबह 10 बजे आप लोग खेल सकते हो, 9 बजे खेल सकते हो, 11-12 बजे आप लोग खेल सकते हो। उस टाइम में गाइस देखना कोई भी ज्यादा मतलब ज्यादा कोई खेलता नहीं है, जो जो यूट्यूबर हो गया, स्ट्रीमर हो गया, तगड़े तगड़े प्लेयर हो गया, सबके सभी यार शाम से और रात को मतलब रैंक पुशिंग करते हैं। तो गाइस अगर आप लोग मतलब सुबह रैंक पुशिंग करोगे ना तो आपका ही फायदा है, बट गाइस मैं पर्सनली उतना रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग भाई सुबह ही रैंक पुश करो, क्योंकि सामने जितना ज्यादा तगड़ा स्क्वाड आएगा, मुझे पता है आप लोग हार भी सकते हो बट हाँ खेलने में भी तो मजा आएगा ना, अगर सामने नूबड़ा बंदा आया तो खेलने में मजा नहीं आता। तो गाइस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप लोग जल्दी से जल्दी ग्रैंड मास्टर जाना है तो गाइस आप लोग सुबह खेलो, या फिर गाइस अगर आप लोग नॉर्मली मतलब खेलते हुए ग्रैंड मास्टर जाना है तो गाइस आप लोग शाम को और रात को खेल सकते हो, ये आपके ऊपर है। इसके बाद गाइस देखो जो सिक्स नंबर ट्रिक है, कभी भी आपके स्क्वाड को एक साथ नहीं रहना है, गाइस आप लोग थोड़ा अलग अलग रह सकते हो, ऐसा नहीं कि बहुत दूर, भाई थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रह सकते हो, जैसे गाइस आप लोग बैकग्राउंड के लिए देख ही पा रहे हो हम लोग यार सभी एक साथ थे, तो सामने वाला एनिमी पूरा आके हम लोग को सैंडविच बना के पेल के चला गया। तो गाइस कोई भी आप लोगों को एक साथ नहीं रहना, हम लोग कुछ ही नहीं कर पाए, दाएं से आ रहा है, बाएं से आ रहा है, सीधे से आ रहा है, पीछे से आ रहे हैं, हर जगह से फायरिंग हो रहा है, तो हम लोग ऐसे ही मर गए। आप लोग ऐसे खेलो कि अगर आप लोग फायर कर रहे हो तो कोई बंदा पीछे होना चाहिए, पीछे से आपको कवर देगा। तो गाइस ऐसा आप लोग टीम कोऑर्डिनेशन लेके खेलो। इसके बाद गाइस देखो जो 7 नंबर ट्रिक है ना वो है गाइस देखो आपके स्क्वाड में एक ऑम प्लेयर होना ही चाहिए यार, ऑम प्लेयर बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है यार, 150 करके डैमेज देगा, फिर गाइस आप लोग इजीली उसको मार सकते हो, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा कवर मिलता है। तो गाइस अगर आपके टीम में कोई ऑम प्लेयर नहीं है ना तो गाइस आप लोग खुद ऑम प्लेयर हो जाओ यार, अगर आप लोग को वन टैप उतना अच्छी तरीके से देना नहीं आता तो गाइस आप लोग AWM प्लेयर हो जाओ यार। शुरू शुरू में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा बट धीरे धीरे मतलब सब मैनेज हो जाएगा और आप लोग बहुत ही ज्यादा तगड़ा ऑम चला पाओगे। और ऑम कैसे चलाने उसके ऊपर गाइस अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो गाइस मैं ऊपर आई बटन में वीडियो दे रहा हूं या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद गाइस देखो जो 7 नंबर ट्रिक है वो है आपके स्क्वाड में अगर कोई भी AWM प्लेयर नहीं है ना तो गाइस आप लोग को मैच जीतने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि गाइस देखो AWM प्लेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्क्वाड में, वो पीछे रखेगा 150 करके मारेगा, फिर गाइस आप लोग इजीली मतलब उसका किल ले सकते हो, उसका किल मतलब उसको मतलब एनिमी को नॉक कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा खासा कवर मिलता है। तो अगर आपके पास कोई भी AWM प्लेयर नहीं है ना तो गाइस आप लोग खुद AWM चला सकते हो, AWM पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा बट आप लोग सिंगल AWM चलाओ, 150 करके मारो और आप लोग अपने टीम को पूरा जिता सकते हो, तो बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है AWM। इसके बाद गाइस देखो जो 8 नंबर ट्रिक है वो है आप लोगों को लोडआउट में से क्या रखना है। देखो लोडआउट में से आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बॉनफायर ही रखना है, बहुत कुछ लोडआउट होता है तो ये सब फालतू का चीज मत लेना, आप लोग बॉनफायर लेना, क्योंकि जो बॉनफायर में बहुत ही ज्यादा आप लोगों को हेल्प मिलता है, अगर आपके पास मेडिकेट खत्म हो गया तो बॉनफायर लगा के गाइस आप लोग अपना हेल्थ बढ़ा सकते हो। ऊपर से गाइस अगर कोई मतलब आपका टीममेट अगर नॉक पड़ा हुआ है तो गाइस अगर फटाफट बॉनफायर अगर लगा दोगे ना तो उसका हेल्थ धीरे धीरे से कटेगा, बहुत जल्दी जल्दी नहीं कटेगा, तो बहुत ज्यादा हेल्थ मिलता है। ऊपर से गाइस आप लोग हील बैटल भी कर सकते हो, तो गाइस आप लोग को बॉनफायर ही लेना है। इसके बाद गाइस देखो जो 9 नंबर ट्रिक है वो है टीम कोऑर्डिनेशन की, टीम कोऑर्डिनेशन आप लोगों को क्या रखना है। देखो गाइस मैंने आप लोगों को बता दिया आपके स्क्वाड में एक AWM प्लेयर रहना ही चाहिए भाई, एक गाइस वन टैप वाला प्लेयर रहना चाहिए जो बंदा मतलब अच्छा खासा वन टैप दे पाए, और दो बंदा गाइस रशर होना चाहिए, ठीक है, दो बंदा रशर होना चाहिए। अब गाइस ये आप लोग खुद में डिसाइड कर लो कि कौन सा बंदा कौन सा रोल लेगा, तो ऐसे अगर आप लोग डिसाइड कर लोगे ना तो गाइस आप लोग का जो मैच जीतने का जो चांस है वो एकदम मतलब 100% हो जाता है, आप लोग मैच जीतोगे ही जीतोगे अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से खेले तो।
गाइस देखो आज के जो 10 नंबर ठीक है वो देखो गाइस, अगर आप लोग लगातार मैच हार रहे हो ना, अगर आप लोग 5 मैच खेले तो 5 में से एक ही जीते बाकी चारों हारे, तो गाइस देखो आप लोग क्या करना है, आप लोग थोड़ा सा ब्रेक लेना है। आप लोग 30 मिनट का ब्रेक ले सकते हो या फिर 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हो। इस ब्रेक में क्या होगा, आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाएगा, फिर गाइस जब भी आप लोग खेलने बैठोगे ना तो गाइस आप लोग अच्छी तरीके से खेल पाओगे और आपका रैंक पुश भी अच्छी तरीके से होगा। भाई अगर आप लोग हार रहे हो तो लगातार मत खेलो यार, मैंने बहुत टाइम आप लोगों को बोला है, लगातार खेलने जाओगे तो गाइस आपका माथे का खिचड़ी हो जाएगा और गेम में भी गाइस आप लोग हक दोगे और आप लोग का मतलब स्टार्ट पुश नहीं होगा, उल्टा माइनस हो जाएगा। सो गाइस देखो आज का जो बोनस ठीक है वो है गाइस, देखो मैंने बहुत बंदे को देखा है जो ये टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो तो देखते हैं बट वीडियो देखने के बाद गेम में जब अप्लाई करने जाते हैं ना तो पूरा हक देते हैं, क्योंकि गाइस देखो उनके माथे से सब टिप्स एंड ट्रिक्स पूरा हट जाता है, भूल जाते हैं वो लोग। तो गाइस देखो अगर आप लोग उनमें से हो तो गाइस जब भी आप लोग सीएस रैंक खेलने बैठ रहे हो, पुश करने बैठ रहे हो, तो उससे पहले गाइस आप लोग को मेरा ये जो वीडियो है ये एक बार मतलब फर्स्ट टू लास्ट तक पूरा एंड तक देख लेना है। इससे क्या होगा, मेरा जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ये गाइस आप लोगों को पूरा याद रहेगा, मतलब एकदम गेम मतलब वीडियो देख के आप लोग खेलने बैठ रहे हो ना तो पूरा याद रहेगा और आप लोग अच्छी तरीके से खेल पाओगे। तो ये ट्रिक मतलब छोटा सा ट्रिक है बट हाँ भाई बहुत ही ज्यादा आप लोगों को हेल्प करेगा ये ट्रिक। आप लोग खुद अप्लाई करो, फिर अप्लाई करने के बाद गाइस आप लोग मेरे को आके कमेंट में बताओगे भाई ये जो बोनस ट्रिक बोला सबसे ज्यादा मेरे को हेल्प किया, मतलब सब टिप्स एंड ट्रिक्स हेल्प करेगा बट हाँ ये ट्रिक भी सबसे ज्यादा आप लोगों को हेल्प करेगा। तो बाय द वे गाइस ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। वीडियो गाइस अभी तक लाइक नहीं किया तो गाइस फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, 10K लाइक्स फटाफट करा देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब करके पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी गाइस जरूर से ऑन कर देना। अपने हर एक दोस्त के साथ प्लीज शेयर कर देना यार, फटाफट शेयर कर देना अपने हर एक स्क्वाडमेट के साथ। और अगर आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो गाइस फटाफट इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाओ इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, 5000 फॉलोअर जल्दी से जल्दी करा दो यार, क्या कर रहे हो। और गाइस देखो मैं आप लोगों को कुछ ऐसा फोन का सेटिंग बता रहा हूँ जो गाइस अगर आप लोग अप्लाई करोगे ना तो गेम के अंदर आपका जो हेडशॉट है वो गाइस एकदम नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। तो उस टॉपिक पे गाइस अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो गाइस आप लोग फटाफट राइट वाली वीडियो देखो, या फिर गाइस मतलब गेम के अंदर न्यू OB39 का अपडेट आया तो अपडेट आने के बाद गेम में क्या क्या चेंज हुआ है उसके ऊपर गाइस अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए ना तो गाइस आप लोग फटाफट लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। सो गाइस चलो टाटा बाय बाय पीस।